मथुरा की 5 विधानसभा सीटों में से सबसे कड़ा मुकाबला रहा माट विधानसभा क्षेत्र में, और आखिर तक सभी प्रत्याशी जो मुख्य मुकाबले के थे तीनों दम साधे बैठे रहे। आखिरकार जीत हुई पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा की। 8वीं बार आप विधायक बने हैं, सबसे पहले तो बधाई आपको। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन बहुत ही कम मतों से जीत हुई है आपकी, तो क्या मानते हैं? अरे हो गई, ये कौन सी कम है। पूरे प्रदेश में जो माहौल है, अरे वाह, ये बात तो सही कही आपने, जो माहौल से पूरा सूबा गुजर रहा है, उसमें ये जीत हो गई। आज भी लोगों ने जातवाद, धर्मवाद और सारे वादों से ऊपर उठ करके मुझे आशीर्वाद दिया। पार्टीवाद, आज कोई पार्टीवाद नहीं, पार्टीवाद से भी ऊपर ऊपर उठ करके आशीर्वाद दिया है। बाकी पूरा प्रदेश देख रहे हैं आप, और मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन उसमें कहां कंजूसी, कहां कमी रही है, उस एरर को मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रत्याशी ऐसे भी तो खड़े हो गए थे आपके क्षेत्र में, जैसे मथुरा जिले में यदि हम बात करें तो दो प्रत्याशी ऐसे विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में खड़े हुए थे जिनका उद्देश्य आम जनमानस की नज़र में ये था कि वो खुद के जीतने के लिए कम आपको या अन्य दूसरे प्रत्याशी को हराने के लिए। सब प्रत्याशी अच्छे थे, कोई खराब नहीं। और आखिर में श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जनता को। और अब क्या कुछ और कराने का इरादा है आपका? मार्च आप बताएंगे ना, पूरा बताएंगे। आज बता दो। तो आप, आपने जाना कि माट विधानसभा क्षेत्र से 8वीं बार विधायक बने हैं श्याम सुंदर शर्मा, पूर्व मंत्री। बड़ा कड़ा मुकाबला रहा, जो पिछला मुकाबला एक रहा था पिछले चुनाव में मथुरा विधानसभा क्षेत्र का, उससे भी कड़ा मुकाबला रहा ये, जिसमें कि करीब 435 वोटों से श्याम सुंदर शर्मा ने विजय हासिल की है। अपने प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रीय लोकदल के योगेश नोहवार को आपने हराया है। और जो भाजपा के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे हैं एस के शर्मा, उनके भी बहुत ही नज़दीक के ही वोट रहे। कुल मिलाकर ये बहुत ही ऐसी जीत है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, और हर पल प्रत्याशियों को ये लग रहा था कि पता नहीं कौन जीतेगा, सभी दम साधे बैठे थे। आखिरकार श्याम सुंदर शर्मा विजयी हुए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि कम वोटों से जीतते हैं लेकिन जीत गए हैं, ये क्या कम है। पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही है, ऐसे में सभी वादों से ऊपर उठकर क्षेत्रीय जनता ने एक बार फिर से उनमें अपना भरोसा जताया है, और कहाँ कमी रह गई है इसका वे मूल्यांकन करेंगे। न्यू न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अजय यादव के साथ योगेश खत्री।